we are going to start with the most important point from the vector. बहुत सी वेक्टर चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये हर चैप्टर में लगने वाला है, ये बेसिक चैप्टर है, ओके? तो पूरे फिजिक्स में लगना है, तो इसको जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आपको उतना फिजिक्स इजी लगेगा. मैथमेटिकली ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है. द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इतना अच्छे से इसको पढ़ना है, नहीं समझा तो 2-3 बार, आप जितने बार चाहिए उतने बार वीडियो देखो बिना पके. नोट्स नोट डाउन करो और इस टॉपिक को आपके दिमाग में डाल दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस टॉपिक एवरीवेयर, मेनी चैप्टर, इनफैक्ट ऑल चैप्टर्स. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, एंड दैट इज यूनिट वेक्टर. सबसे पहले यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. ओके, जिस वेक्टर की वैल्यू 1 है उसको मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर. यूनिट 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 का मतलब क्या था? 1. ओके, तो जिस वेक्टर की वैल्यू 1 है उस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? यूनिट वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड 1. तो फिर इसका काम क्या है? इसकी वैल्यू 1 है, उसका क्या काम? ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, फिर क्या है? 1 जो होता है ना, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो हर जगह रहता है. यस, अभी 1 इज एवरीवेयर, यू जस्ट वॉन्ट टू फील इट. फॉर एग्जाम्पल आज मैं लिखता हूं 6, फॉर एग्जाम्पल. तो 6 का मतलब क्या भाई? 6 × 1 है इसके साथ. अगर मैं लिखा 10, तो 10 के साथ भी 1 है. तो 1 हमेशा सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है या फिर डिविजन में होता है. ओके, तो 1 है हर नंबर के साथ, 1 एसोसिएटेड है. तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है? 1 है. जिसका मैग्नीट्यूड क्या? 1 है. तो फिर उसका काम क्या है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस कि भाई यूनिट वेक्टर क्यों यूज होता है? यूनिट वेक्टर का काम है, इट ओनली गिव्स डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर मुझे पता है, किसी भी वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है, देन आई एम गोइंग टू यूज यूनिट वेक्टर. तो बेसिकली यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर को हम अपने डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें? मैथमेटिकली डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें? वैल्यूज को, मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं कि 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन. डायरेक्शन कैसे बताएंगे? मैथमेटिकली अगर आपको डायरेक्शन बता रहा है तो आप यूज करोगे यूनिट वेक्टर का. तो ये सबसे अच्छा बात है कि भाई यूनिट वेक्टर इज यूज टू गिव डायरेक्शन मैथमेटिकली. ठीक है, अभी चलो एक काम, एक सिंपल सा बात करते हैं, एक सिंपल सा बात. ओके, सपोज कोई भी वेक्टर ले लो, मैंने कोई भी वेक्टर ले लिया, कोई भी वेक्टर मैंने अभी ले लिया ए वेक्टर. ठीक है, जस्ट मैंने ए वेक्टर ले लिया और इस वेक्टर को मैंने इसके मैग्नीट्यूड से, इसके वैल्यू से डिवाइड किया. किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके वैल्यू से डिवाइड करोगे, किसी भी वेक्टर को अगर आपने डिवाइड किया उसके वैल्यू से, आपको आंसर क्या मिलेगा? व्हाट यू गेट? 1. दिस विल गेट सिंपली कैंसिल, इसका आंसर 1 आएगा विद द वेक्टर साइन. ये यूनिट वेक्टर है. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कोई भी सिंबल ले लो, जैसे मैंने यहां पे ए सिंबल ले लिया और उसके ऊपर मैंने कैप का साइन डाला. तो जिसके ऊपर कैप का साइन रहेगा ना, वो मेरे लिए होता है यूनिट वेक्टर. तो बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना यूनिट वेक्टर को. तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर लिखे जिसके ऊपर कैप का साइन है, मेरे लिए वो सारे यूनिट वेक्टर है. तो यूनिट वेक्टर में आपको जो चाहिए वो सिंबल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर उसके ऊपर क्या डालना? कैप डालना. द मोमेंट यू पुट कैप यू विल अंडरस्टैंड इट इज अ यूनिट वेक्टर. मतलब भाई इसकी वैल्यू कितनी है? 1. ये जो ए कैप है इसकी वैल्यू कितनी है? 1. क्या मतलब? ए कैप कम ऑन, ए कैप इसकी वैल्यू कितनी है? 1. ए कैप उसकी वैल्यू कितनी है? 1. और इसका डायरेक्शन क्या है? जो ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है उसका ही डायरेक्शन. इट ओनली गिव्स डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. इस वेक्टर का ये डायरेक्शन बताता है. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. डोंट वरी, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा आपको सारा समझ में आएगा मैं क्या बड़े बड़ा हूँ. फिलहाल मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ. अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लो और भाई उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो. व्हाट आई विल गेट? यूनिट वेक्टर.
Therefore, अगर मुझे एनी वेक्टर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इट्स अ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या? एनी वेक्टर इफ आई वॉन्ट टू राइट, हाउ आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट इन दिस वे, इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो एनी वेक्टर, इफ आई एम राइटिंग एनी वेक्टर, आई विल फर्स्ट राइट इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये है, ये जो चीज मैंने लिखा है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कोर्स आपने पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं ये चीज बार बार यूज कर रहा हूँ, बार बार यूज कर रहा ना, मुझे ये चाहिए। ओके, एनी वेक्टर, किसी वेक्टर को आपको लिखना है तो पहले मैग्नीट्यूड लिखो और यूनिट वेक्टर लिखो। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बताएगा और यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो वेक्टर को तो भाई दो ही चीज है, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये वाला पार्ट क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और ये वाला पार्ट क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने आपके सामने लिख दिया पी वेक्टर इज 10 एन कैप, ओके मैं लिख दिया आपके सामने पी वेक्टर इज 10 एन कैप, तो इसको जैसे आप देखोगे आप बोलोगे सर पी वेक्टर की वैल्यू क्या है 10, और p वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है n क्या, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू ये बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो आप बोलोगे सर ये n क्या कैसे डायरेक्शन बताता है, ऐसे कैसे का डायरेक्शन, इसको देख के डायरेक्शन कैसे पता चलता है, तो मैं अभी उस चीज पे आने वाला हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट पार्ट, पर फिलहाल आपको समझे, पहले तो आप समझ लो यूनिट वेक्टर का यूज क्या है। यूनिट वेक्टर का यूज है डायरेक्शन बताने के लिए, बस ये बात दिमाग में डाल दो। किसी भी वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन बताना है मैथमेटिकली, आई एम गोइंग टू यूज यूनिट वेक्टर। कम ऑन, यूनिट वेक्टर लर्न कर दो, दिमाग में डाल दो, ये कौन, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। अगर आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ, क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? 10 को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो चेंज नहीं होगी, इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज होगा। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये फॉर्मेट याद रखो। ओके, यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते, सिंबल लिखना है ऊपर कैप। ठीक है, अब बच्चों इस चीज को समझो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और रेक्टेंगल कुछ भी बोल सकता हूं मैं इसको, मैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेता हूं मेरे बचपन की। वैसे तो बचपन में दो ही पढ़े हैं, एक एक्स एक्सिस पढ़ा है, एक वाई एक्सिस पढ़ा है, एक जेड एक्सिस भी होता है, सच्ची होता है नहीं मालूम है, तो याद रखो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है जो आपकी तरफ आ रहा है ना, कैमरा की तरफ आ रहा है, जो स्क्रीन की तरफ आ रहा है जेड एक्सिस। तो ये क्या है x, ये क्या है y, और ये क्या है z। ठीक है, तो सर आपने ऐसे टेढ़ा क्यों ड्रॉ किया? अरे बाबा मैं ऐसे हवे में तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना यार, तो इसको मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया, ऐसा टेढ़ा नहीं है, वो बाहर आ रहा, आउटवर्ड आ रहा है। तो ये कहां जा रहा है भाई, दिस वन इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, ये अपवर्ड, और ये ऐसे बाहर आ रहा है, आउटवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड, राइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से, ओके एकदम अच्छे से। मैंने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर के लिए आप कोई भी सिंबल ले लो, ऊपर कैप डाल दो, बट यूनिट वेक्टर अगर एक्स एक्सिस पे, इफ आई वांट टू टेक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सो स्ट्रिक्टली आई एम गोइंग टू टेक आई कैप। तो बेसिकली आई कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के भी दो डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, और चलो एक ड्रॉ कर लेते इस तरफ, एक नेगेटिव डायरेक्शन, ये भी एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रहेगा ना बच्चों, तो इसको माइनर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को मैं प्लस आई कैप से रिप्रेजेंट करता हूं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को मैं माइनस, तो माइनस आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, माइनस आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके,
y एक्सिस पे ना, y एक्सिस पे भी आप आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं ले सकते, मैं स्टैंडर्डाइज करने वाला हूं भाई आपको j कैप। तो j कैप क्या है? j कैप एक यूनिट वेक्टर है, j कैप एक यूनिट वेक्टर है जो अपवर्ड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस लूंगा तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? माइनस j। z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या है? k कैप। और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस पे क्या है बोलो? माइनस k कैप। ठीक है, इजी। तो x एक्सिस पे यूनिट वेक्टर i कैप है, y एक्सिस पे यूनिट वेक्टर j कैप है, और z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर k कैप है। पॉजिटिव की तरफ मतलब बाहर की तरफ रहेगा तो प्लस k कैप, अंदर की तरफ रहेगा तो माइनस के। याद रखना ये जो z एक्सिस है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है तो प्लस j, अंदर की तरफ जा रही है तो माइनस j। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा चीज, एकदम सिंपल सा चीज, एक ब्लॉक है, इसको मैंने प्लेटफॉर्म पे रखा और इस ब्लॉक पे फोर्स एक्ट हो रहा है 20 आई कैप। लिखने का तरीका समझ रहे हो? इस ब्लॉक पे फोर्स एक्ट हो रहा है 20 आई कैप। अभी ये लैंग्वेज है, इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको समझना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। चलो ये न्यूटन में फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। फोर्स 20 न्यूटन है। और जैसे मैं देखता हूं आई कैप तो मुझे इस फोर्स का डायरेक्शन पता चलता है। आई मतलब डायरेक्शन किस तरफ, बात समझ रहा है? तो इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है? 20 है कि नहीं? और उस तरफ लग रहा है। तो इस चीज को मैंने, ये फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन इस तरफ, इसी चीज को मैंने मैथमेटिकल, बात समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मेट यही है ना, ये देखो ये दोनों सेम है कि किसी भी वेक्टर को आप लिख रहे हो तो पहले तो आप उसकी वैल्यू लिखो, फर्स्ट यू राइट इट्स मैग्नीट्यूड एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, देन व्हाट यूनिट वेक्टर विल डू, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ दिस। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक पे फोर्स जो F2 फोर्स लग रहा है वो लग रहा है -40 जे कैप, आपको समझो कि फोर्स 40 न्यूटन लगा हुआ, चलो न्यूटन है ना, वैल्यू कितनी लगी है? 40 न्यूटन। और माइनस जे जैसे आप देखते हो आप समझ जाते हो सर फोर्स ऐसे ऊपर से लग रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है? 40 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है? कि वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। माइनस का मतलब क्या? वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत आना चाहिए, मतलब अब इतना डिटेल में कर रहे तो आना चाहिए। यूनिट वेक्टर का यूज समझ में आ रहा है? अभी आपको वेक्टर को लिखने को आएगा मैथमेटिकल, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या बताता है? वैल्यू वाला पार्ट मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। बस इतना याद रखो, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है। और ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से, ये ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर से, एक्स एक्सिस पे कंपलसरी आप यूनिट वेक्टर क्या लोगे? आई कैप। वाई एक्सिस पे क्या लोगे? जे कैप। और जेड एक्सिस पे क्या लोगे? के कैप। ठीक है, अब एक और चीज, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया 100 जे कैप मीटर, या फिर आप 100 मीटर जे कैप ऐसे लिखा तो भी चलेगा, पहले यूनिट लिखो फिर जे कैप चलो। तो एक बॉडी ने 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया जे कैप, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? आप कैसे बताओगे? जैसे आप बोलोगे 100 तो आपने एक एरो ड्रॉ किया, कहां पे? जे मतलब ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, तो 100 मीटर पे एक बॉडी चल के गई यहां से लेके यहां तक पहुंची। लेट अस सी, ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है? तो अभी आपको पता चल रहा है कि भाई ये वाला चीज क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये वाला चीज क्या बता रहा है? डायरेक्शन। याद रखना यूनिट वेक्टर, ये लर्न करना पहले, फिर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, और वेक्टर्स को लैंग्वेज रीड करने को आनी चाहिए, तब मजा आएगा। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं कि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 500
के कैप, इसको देख के आप क्या बोलोगे कि भाई बॉडी 500 मीटर बाहर की तरफ चलिए, के कैप शोज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पे बॉडी 500 मीटर चलिए, तो ये सब हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो दैट्स इट, आई हैव कंप्लीटेड विद यूनिट वेक्टर। एक और चीज याद रखो, एक जीरो वेक्टर करके आएगा या फिर नल वेक्टर करके आएगा, वैसे तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, पर सपोज किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से, उस सेम फिजिकल क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब अगर ये मास है तो ये, सॉरी अगर ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर ये एक्सेलरेशन तो ये भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, अगर ये फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए, तो सेम क्वांटिटी माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, है ना। पर हम इसको यूनिट लिखेंगे, इसका जो यूनिट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको यूनिट होता है, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, इसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, पर हम इसको कंसीडर करते हैं ताकि यू नो कि अपन उस क्वांटिटी का बारे में जान सके, उसका यूनिट लिख सके, सो वी कंसीडर इट। ओके, तो ये एक चीज थोड़ा याद है, कभी कभी आता है, पर मेन यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड, यू एंजॉयड। लास्ट टाइम अगर मैं पूछा आई की वैल्यू कितनी है, अगर बोला जे की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे वन, अगर मुझे के की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू कितनी, आप वन, क्योंकि ये सारे क्या है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू वन है, और वन ऐसा नंबर है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई करो उस नंबर को चेंज नहीं करता, इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन में रखा हुआ, क्योंकि ये आने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, बात समझ में आ रहा है, ये आने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन, बस इतना याद रखो, ये चीज याद रखो, डायरेक्शन बदलते याद रखो, और ये चीज मैंने बताया, थोड़ा बड़ा लेक्चर बनाया, इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया, बट ये है ही इतना इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू एंजॉयड यूनिट वेक्टर, नोट डाउन बहुत अच्छे से, एंड आई वांट यू टू डूइंग वेरी दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।